महाराष्ट्र के सांगली में एक पति पत्नी अपनी 18 महीने की बेटी की मौत के दुख से उबर नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सांगली जिला पुलिस ने बताया कि गुरुवार को 28 वर्ष के करण हेगड़े और उनकी पत्नी शीतल हेगड़े के शव राजीवाड़ा गांव के एक मंदिर के पास पेड़ से लटके मिले। तो वहीं पुलिस ने बताया कि दंपति की 18 माह की बेटी की श्वास नली में खाना फंस गया था, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दंपति अपनी इकलौती संतान के मौत के सदमे से उबर नहीं पाए और आत्महत्या का कदम उठा लिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें मंदिर के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दंपति ने लिखा है कि वे अपनी बेटी के पास हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।